सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइज कैसे सब, आई होप यू आर गुड, गेट फिट एंड फाइन। तो गाइज अब हम आ चुके हैं गणपति बापा को ले जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी काफ़ी लोगों के घर पे गणपति बापा जाने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बुकिंग रखी हुई है गणपति बापा की। तो चलो चलते हैं, तो चलते हैं यहाँ से गणपति पापा को लेकर के और आपसे मिलते आगे, क्योंकि यहाँ पे है धूल और थोड़ा हंसी मजाक होगा भी, आप देखिए आगे। हाँ हाँ, आपके तो फेसबुक बहुत व्यूज आ रहे हैं ना, फेसबुक लाइक्स आ रहे हैं आपके तो, फेमस हो आप तो। जैसे तैमूरा लग रहा था ना। और अब हम बीच में कुछ फोटो शूट्स करते हैं, क्योंकि पंडित जी अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम अपनी फैमिली की फोटो शूट्स करते हैं। देख सकते हैं दादी, चाचा, ताऊ सब बैठे हुए हैं। चाचा तो नहीं बैठे, ताऊ ताई। और देखो यहाँ पे पूजा हो रही है। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः। जय गणेश जी महाराज। खूब भंडार भरना, खूब माता जाके पार्वती देवाय कदंत दयावंत। I'm gonna go.
सो गाइस अब व्लॉग शूट कर रहा हूँ, रात के 12 बज चुके हैं। जब से मैंने व्लॉग शूट बिल्कुल भी नहीं करा, क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ पे गणेश जी मतलब जैसे विराजमान हुए थे, सब कुछ मतलब खाना पीना नाश्ता वाश्ता सब चीज करा, उसके बाद मतलब सब फोटो वोटो खिंचवाई थी, सबके सब घर चले गए। तो फिर मैंने सोचा था चलो बाद में व्लॉग कर लूंगा, सो जाता हूँ तो सो करके उठ करके व्लॉग कर लूंगा, थोड़ी देर सो जाता तो उठ के व्लॉग मतलब बना लूंगा, तो कंटिन्यू करूंगा व्लॉग को, तो आज का व्लॉग को। तो मन ही नहीं करा बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे ही सोकर के उठा तो पता चला मम्मी की तबीयत खराब हो रखी है, मम्मी को मतलब बीपी बढ़ रखा था मम्मी का, और मम्मी को मतलब चक्कर आ रहे थे। तो यार फिर मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, आपको ही पता अजीब सा लगता है भाई, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का। तो फिर मैं चल छोड़ो कोई नहीं, मैं बाद में जितना बना उतने ब्लॉग को बना लूंगा। तो गाइस आपने देखा होगा मैंने हमारे घर में मतलब गणेश जी जब आए थे तो आप कैसे हमने सेलिब्रेट मतलब सब कुछ करा, और बस अब यही सब है। और अब 3 तारीख जो है मतलब जैसे 1 सितंबर हो गया ना स्टार्ट, तो जैसे 3 तारीख को हमारे घर में वो भी है, सुंदरकांड भी है, तो जब भी है मतलब आपको दिखाऊंगा पूरा पूरा, और डेली व्लॉग ही बनाना है अपने को, तो वो चलता ही रहेगा। और बस यार आज गाइस सॉरी मैं व्लॉग नहीं बना पाया था थोड़ा, क्योंकि यार मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, फिर मन नहीं करता बनाने का, जेन्युइन आपको बताऊं जेन्युइन नहीं रहता, मम्मी की तबीयत खराब थी, ज्यादा ही खराब हो गई थी, तो बीपी और चक्कर आ रहे थे, मतलब बीपी बढ़ चुका था, चक्कर काफी तेज आ रहे थे, तो हमने मम्मी को लेटा रखा, नींबू पानी पिलाया, दवाई वाई सब चीज दी। तो बस ये था, मम्मी आज ऊपर मतलब कीर्तन में भी नहीं जा पाई ताई के यहाँ पे, वरना सारी लेडीज और मतलब ताई चाची सबके सब आए थे, तो मम्मी की तबीयत खराब थी तो मम्मी वहां पे भी नहीं जा पाई, तो यही है। और बस इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाया था, रियली सॉरी गाइस। तो बस अब इस व्लॉग को एंड करता हूँ, थोड़ा सा ही व्लॉग बनाया, अच्छा बना होगा पर मेरे को ये पता है अच्छा बनाया मैंने व्लॉग, और वॉइस ओवर मैंने आपको सब कुछ दिखाया था। तो बस व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग डीएस02 व्लॉग्स, बाय।